और अच्छे से इसे दाब देना है, यानी प्रेशर से। ये देखिए बहुत अच्छे से बाल में। मैं शिल्पी और मेरे YouTube चैनल शिल्पीज ब्यूटी टिप्स में आप सभी का स्वागत है। मेरे YouTube चैनल शिल्पीज ब्यूटी टिप्स को आपने लाइक सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो प्लीज करें, और बेल आइकन जरूर आप प्रेस कीजिएगा, क्योंकि हर एक वीडियो आपके लिए बहुत ही अच्छा साबित होगा। क्योंकि इतने अच्छे से मैं आपको ये कोर्स सिखाऊंगी, बताऊंगी कि आप घर बैठे ही बहुत अच्छे से ब्यूटीशियन कोर्स आप सीख जाएंगे। घर पर आसानी से किस प्रकार आप वैक्स कर सकते हैं, ये मैं आपको ये प्रोसेस दिखाती हूँ। काफ़ी इजी है घर पर वैक्स करना, और आपको अलग से पार्लर की चीज़ों की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखिए इस प्रकार से एक स्टील के बर्तन में आपको गर्म पानी लेना है, वैक्स यानी स्लिक का कोल्ड वैक्स लीजिए, ये बेस्ट रहता है, हमेशा ये बेस्ट है। आप एक कटोरे में इस वैक्स को निकाल लीजिए, जितना आपको आवश्यकता है उतना वैक्स आप निकाल लीजिए। निकालने के बाद आपको गर्म पानी के ऊपर इसे बैठाकर रख देना है, ये अपने आप गलने लगेगा। इस प्रकार से अगर आप वैक्स कीजिएगा, और डायरेक्ट इसे अगर आप गर्म पानी पर नहीं बैठा रहे हैं वही सही रहता है, क्योंकि गर्म पानी पर इसे अगर पूरे वैक्स को आप बैठा दीजिएगा धीरे धीरे ये खराब हो जाता है। इसीलिए मैं कोशिश करती हूँ, या अपने स्टूडेंट्स को भी मैं बताती हूँ, कि घर पर अगर आप कर रहे हैं, आपके पास कुछ भी नहीं है, तो आप गर्म पानी पर इस तरह से कटोरे में जितना वैक्स की ज़रूरत है उतना करके लीजिए और उसे आप बैठा दीजिए। गल जाने पर आप वैक्स करना शुरू कर दीजिए। साथ में टॉवल एक बड़ा लेना है, आप बिछा दीजिए टॉवल हैंड्स या लेग्स जहाँ भी कर रहे हैं, जिससे वो जो गिरेगा वैक्स वो गंदा आपके जो कपड़े को नहीं करेगा, इसलिए एक बड़ा टॉवल का ज़रूरत है। स्पून स्पैचुला के जगह स्पून का आवश्यकता है, और स्पून के ये पीछे पोर्शन से हमें वैक्स करना है, यानी इस प्रकार से वैक्स निकाल कर आपको इस प्रकार से वैक्स करना है। वैक्सिंग स्ट्रिप्स देखिए, जीन्स के इस प्रकार के कपड़ा जो खुरदरा रहता है, जो पोर्शन जीन्स का खुरदरा रहेगा, देखिए ये प्लेन पोर्शन है और ये खुरदरा है, खुरदरा पोर्शन से आपको वैक्स करना है। इस प्रकार से आप पीसेस कर लीजिए, और उसके बाद वैक्स हो जाने के बाद इसे धो लीजिएगा, साथ साथ डिटॉल से अगर धो लीजिएगा तो वो हाइजीन मेंटेन भी हो जाता है। देखिए टैल्कम पाउडर है, बहुत ही आवश्यकता है ये लेने का। वैक्स के बाद सुथॉल का ज़रूरत है, या फिर बोरोलिन अगर आपके पास है, या डिटॉल है ज़रूरत पड़ेगा, और मसाज क्रीम, किसी भी प्रकार का आप मसाज क्रीम लीजिए, मॉइस्चराइजर अगर है तो वो लीजिए, वो लास्ट में हमें यूज़ करना है। चलिए वैक्स करना मैं दिखाती हूँ, यानी इससे मैंने वैक्स थोड़ा सा निकाला था, जैसे मैंने आपको कहा है कि इसे डायरेक्ट अगर हम गैस पर गर्म करते हैं या कहीं भी गर्म करते हैं, इसे गलाते हैं, तो बार बार उसे करते करते क्या होता है कि लास्ट जो वैक्स बच जाता है वो बेकार हो जाता है, यानी वो ट्रांसपेरेंट नहीं रहता है, उससे बाल नहीं निकलते हैं। इसीलिए मैं इससे वैक्स ले लेती हूँ, लेकर एक गर्म पानी, देखिए पतीला में गर्म पानी है इस यहाँ, और इसमें मैंने वैक्स को रखा था, वैक्स गल गया है, आपको दिख रहा है वैक्स गल गया है। अब इसे किस प्रकार करना है, प्रोसेस अपना वैक्स घर पर खुद कैसे कीजिएगा, प्रोसेस मैं शेयर कर रही हूँ, बता रही हूँ। सपोज मुझे यहाँ वैक्स करना है, टैल्कम पाउडर भी इतना ही दीजिए कि वो अच्छे से मिल जाए, ऊपर से भरा भरा नहीं रहे, उससे अच्छा से वैक्स नहीं होता है। वैक्सिंग स्ट्रिप में देखिए जीन्स के कपड़े इस प्रकार से मैं काट कर रखी हुई हूँ, जो हाइजीन मेंटेन करना है आपको इसे, यानी साफ सुथरा रखना है, और एक स्पून, स्पून के द्वारा ही आप वैक्स बहुत इजीली कर पाइएगा। स्ट्रेच करके रखना है, आप अपने हाथों पर अगर कर रहे हैं और अपने किसी भी पोर्शन पर कर रहे हैं तो आपको बहुत अच्छे से उस जगह को स्ट्रेच करके रखना है। इतना प्रेस कीजिए कि आपको फील हो जाए कि वैक्स आपके बालों के साथ सट गया है, वैक्स चिपक जाने से बालों पर तभी बाल निकलते हैं, ये आपको हमेशा ध्यान में रखना है, जिसके कारण हम कहते हैं कि स्ट्रेच कीजिए और अच्छे से इसे
दाब देना है, यानी प्रेशर से। ये देखिए बहुत अच्छे से बाल मेरा निकल गया है। देखिए बाल अच्छे से साफ से निकल गया है ना। इसी प्रकार आप अपना वैक्स कीजिएगा। और अगर किसी दूसरे का वैक्स आप घर पर कर रहे हैं तो आप वैक्स लगाने के बाद इस प्रकार से आप नीचे को स्किन को स्ट्रेच करके रखिएगा, वैक्स भी बहुत अच्छे से निकल जाएगा और पेनफुल भी नहीं रहेगा, यानी दर्द भी बहुत कम होता है। देखिए इसके बाद इसे हम पोंछ लेंगे, साफ से पोंछ लेना है। और पोंछने के बाद सुथार टाइप का या फिर बोरोलिन लीजिए या डेटॉल लीजिए, कोई भी एंटीसेप्टिक आप उस जगह पर अच्छे से लगा लीजिए।